चोर नशेड़ियों ने किया सोशल मीडिया पत्रकार पर हमला, कवरेज करना पड़ा हाजी इरफान को भारी, अमृतनगर शादी महल हॉल रोड की वारदात। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 9 अक्टूबर शाम के समय अमृतनगर मुमरा स्थित शादी महल हॉल रोड की गली में यहां पर कुछ युवकों में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा होने की वजह क्या है वो भी आपको पता चलेगी, लेकिन ये झगड़ा होता देख यहाँ के एक सोशल मीडिया के पत्रकार हैं हाजी इरफान, वो इस घटना को कवर करने के लिए वहां पहुंचे। जैसे ही उन्हें कवर करता हुआ या वीडियो शूटिंग करता हुआ इन अपराधियों ने, नशेड़ी युवकों ने देखा जो कि कहीं से मोबाइल चुरा कर आए थे शिलभाटा परिसर से, तो इन्होंने फौरन चौपर से हमला कर दिया हाजी इरफान पर। हाजी इरफान के सर में वार हो गया, बाल बाल बचे हैं। साथ ही जो अमीन करके लड़का है जिसके मोबाइल की चोरी की वारदात है, एक्सीडेंट के दौरान ये मोबाइल निकाल लिए गए थे, इसने क्या पूरी जानकारी दी है, हाजी इरफान ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह से चोरों और नशेड़ियों को लेकर बुमरा पुलिस का रवैया बिल्कुल ढीला और लचर है उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है, सुनिए। इरफान भाई, आपके साथ क्या हादसा हुआ है? मेरे साथ ये हादसा हुआ साहिद भाई कि यहाँ पे आपस में लफड़ा हो रहा था, तो मैं न्यूज़ कवर करने गया। इसके लिए न्यूज़ कवर में करने गया कि बड़ा लफड़ा हो रहा था, चौपर से वार हो रहा था। देखिए इसको चौपर लगा है, चौपर से वार हो रहा था, तो मैं न्यूज़ कवर करने जा रहा था, तो इसके लिए मैंने देखा कि बड़ा मसला है, तो मैं इसके लिए न्यूज़ कवर करने के लिए उतरा। तो न्यूज़ कवर करने उतरा तो जैसे ही इस लोग ने देखे नशेड़ी लोग ने, तो मुझ पर वार कर दिए, मुझ पर वार किए, पूरा खून निकल गया है। कई बार मैंने शिकायत की है यहाँ की गली। किस चीज़ से आपके वार किए? चौपर के पीछे के हिस्से से वार हुआ है, चौपर का मुंह का हिस्सा होता है उससे मुझ पर वार किया है, पूरा खून खून हो गया, पूरा यहाँ से ब्लड जा रहा है और काफ़ी ब्लड। कितने लोग थे? वो 4-5 जन थे और इधर के आसपास के हैं। क्या उम्र हुई उन लोग की? उम्र है 18-20 साल की उम्र के लड़के लोग हैं। किस चीज़ को लेके इन लोगों का विवाद चल रहा? इन लोग का आपस में कोई विवाद चल रहा था, मैं तो अपने स्टूडियो पे था, तो मैं अचानक निकल के देखा डायरेक्ट कि कुछ हो रहा है मसला, तो मैं बाहर निकल के देखा तो यहाँ पे बहुत गर्दी जमी थी और लफड़ा झगड़ा मारा मारी हो रही थी। किसके साथ हो रहा था ये लड़का? आपस में ये लोग लड़ रहे थे। अच्छा, ये लड़ 4-5 चलती उसको मार रहे थे, तो मैंने देखा तो मैं बोला चल न्यूज़ कवर कर लेता हूँ, तो मैं न्यूज़ कवर करने के लिए हिसाब से निकला, तो मुझ पर वार कर दिया। तो मैंने DCP साहब के पास भी कंप्लेन की है और सिविल साहब ने, अशोक कड़ला साहब के पास भी पहले थे उनके पास भी कंप्लेन दी है, फिर अभी भी कंप्लेन की है, कई बार कंप्लेन दिए और इसके जरिए रिजवी साहब फिर भी मुमरा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। मुमरा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, कब इस पर कार्रवाई होगी, कब एक्शन लिया जाएगा सर? कभी तो एक्शन लो, एक बार भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 4 बार न्यूज़ चला चुकी है, एक बार सुल्तान रिजवी DDTSS TV के इसके चैनल के माध्यम चलाए, फिर मैंने चलाई, फिर बहुत सारी न्यूज़ चलाई, फिर हम पत्रकार जब गए थे चौकी में, सारे पत्रकार ने अपनी बात भी रखी, DCP साहब के साथ में सामने अपनी बात रखी, तो तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कब कार्रवाई होगी? जब पत्रकार मर जाएगा? पत्रकार कोई तरह से सेफ नहीं है, पत्रकार कब सेफ होगा? पत्रकार की कोई है कि नहीं कुछ वैल्यू? पत्रकारिता करे या छोड़ दे सर, बताइए हमको कि हम करें या छोड़ दे पत्रकारिता, या बुजदिल बन के घर में बैठिया हुए या चूड़ियाँ पहन ले हुए हाथ में, करना क्या चाहिए, क्या करें हम लोग, बताइए आप सर, कब सुनवाई करेंगे? अभी निकम सर को फ़ोन किया तो बोलते वहाँ आ जाओ मैं भिजाता हूँ, फिर अभी भिजाए तो अभी आए, अभी देखो आरोपी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए पता नहीं, अभी यहाँ पे सब पब्लिक जमा है, अभी ये सब लोग आए। देखिए क्या नाम है? आमीन सलीम। क्या चीज़ को लेके आप लोगों का विवाद हुआ है? मेरा बाइक से एक्सीडेंट हुआ ग्रुप में, इसके मोबाइल से डाल देते हैं। किधर हुआ ये एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट हुआ शिलपाटा के पास। शिलपाटा? हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ उसमें, मैं मेरी गाड़ी थोड़ी फास्ट थी 40-50 के आसपास, उतने में वो 4 लोग सामने से भागते हुए आ गए, तो मेरी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, तो तकलीफ हो जाएगी बाद में, मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, उतने में मैंने ना वो चारों को रुकाया साइड पे, तीन जन थे सॉरी, मैंने उन लोग तीनों को रुकाया साइड पे, मेरा भाई ये क्या हो गया, तो मेरे पास में वीडियो भी है, क्या गलती उनकी है? मैंने अपने मुँह से बोले क्या गलती हमारी है क्या, हम फास्ट भागते हुए आ गए सामने से। पटे पे एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ कैसा पहुँचा? मैं यहाँ पे आया, मैं इसके लिए आया क्या, उनके पास में ना 3 जन थे उधर जिसका एक्सीडेंट हुआ,
मैंने दो जन का फोन उससे लेके उनको दे दिया और तीसरा फोन इन लोग ने वहाँ से लेके चले गए। मैं वहाँ से यहाँ पे आने तक का इनको कंटिन्यू फोन करा क्या मेरा तुम लोग के पास में एक फोन है मेरे को वो फोन दे दो। उन लोग को देने गए वो दवा पानी कुछ नहीं करा रहे थे। तो इधर पे मैं आया तो मैंने बोला फोन दो तो बोले फोन नहीं दुआ तो बोले मेरे को मारा क्यों। मैंने इसीलिए उसको मारा क्या मेरा जब तेरा कुछ नहीं था तो तूने क्यों आके इन लोग से सब चीज ले रहा है। तो उसने नहीं तो उसको किसने बुलाया था वहाँ पर वो मेरे मतलब हमारा एक्सीडेंट हुआ बाई चांस वो उधर पहुँच गया। तो क्या नाम था उसका? अकबर। अकबर किधर हाँ। रहता है ये अकबर? ये अंदर रहता है। किधर? अंदर स्कूल की गली में, इंग्लिश की गली में चला गया। हाँ वो अंदर ही रहता है यहाँ पे इतना उठना है दिन रात यहाँ पे ही नशा करते और एक नंबर का चोर है हर वक्त इसका मोबाइल छीन उसका मोबाइल छीन। कम से कम मैं इतनी गली के अंदर आपको इतने लोग को बता दूंगा क्या उसने सबका फोन लिया। अकबर के साथ कौन कौन था क्या क्या नाम है? अकबर के साथ में एक था वो सलमान जो बाइक चला रहा वो सलमान नाम का लड़का है वो दरगाह गली में रहता है वो था उसके साथ में। वो आया मैंने उसकी पूरी गाड़ी वाड़ी सब चेक किया फोन उन लोग के पास नहीं था इन लोग ने फोन किधर पे रख वक के आया। फोन जिसका था वो कहाँ है? वो बंदा उधर ही है वो इन लोग क्या बोल रहे हैं उन लोग ने क्या बोले हमारा फोन लेके आओ और जाओ यहाँ से। तो उन लोग ने हमारे को छोड़े फिर भी क्या बोले तू जा। इन लोग ने तीन फोन लिए मेरे को हाथ में। तो तुम लोग यहाँ विवाद कर रहे थे तो ये छुड़ाने आए तुम्हारे? हाँ ये शूटिंग उतार रहे थे तुम? ये हाजी अंकल दिन रात मेरे अब्बा इधर ही रहते हैं इनके साथ में ही रहते तो ये मेरे को देखे उधर पे क्या ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये आए। तो हम लोग का झगड़ा तो उतने में उसने चौपड़ लेके आया इतना बड़ा तो मेरे को मारने का। तो हाजी अंकल बीच में आए ना तो उसने हाजी भाई को घुमा दिया और उसके बाद में मेरे को घुमा इधर वो तो मैं बच गया हल्का से ही लगा। उसके बाद में यहाँ से जो उसके साथ में चार पांच थे उन लोग ने उसको यहाँ से लिए और सीधा भगा दिए। इधर निकल दिखाओ दिखा जरा दिखा इधर मोहसिन एक तो नहीं बचना चाहिए। हम लोग की वीडियो बच लो हम लोग नहीं मोहसिन सामान नदीम भाई मोबाइल 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 दे ला मोबाइल दे मोबाइल दे। बात सुनना यार भाई दोस्त का कट गया मेरा न्यूज में आएगा ये कोई मना नहीं करेगा अभी।